अस्सलामु अलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम स्टार्ट हो चुका। आप देख रहे हैं ये पीछे सारा हमने शॉप का काम करवाना था, पेंट वगैरह पीछे मैंने वीडियो बनाई थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाइन करके एक पहले मैंने सूट के कटिंग करके कस्टमर का शुरू करवा दिया। अब ये सिलसिला इंशाल्लाह आपके साथ कंटिन्यू रहेगा। पीछे मैंने वीडियो अपलोड की थी कि आपने मुझे बताना है कि आपको क्या वीडियो चाहिए। आपने आर्म होल का काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आर्म होल की वीडियो आपको डिटेल से मिल रही है, कटिंग से लेकर समझने से लेकर कि हम मेजर कैसे करें, बॉडी का साइज़ है, फिर क्या करें, उसके बाद उसकी कटिंग कैसी करनी है, कटिंग करने के बाद हमने उसको ज्वाइंट कैसे करना है। वो वीडियो मेरे ख्याल 12-15-17 मिनट की बनेगी, जितनी बनेगी इंशाल्लाह आपने देखनी है। आपके जितने भी आर्म होल के इंशाल्लाह मसाइल हैं, पहले एक वीडियो में मैंने कोशिश की वजाहत करने की, अब उस वीडियो में जो चीज़ें मैं नहीं बता सका इंशाल्लाह उस वीडियो में बयान की जाएंगी। आज हमारे पास है एक साइज़, हमारा काफ़ी कह लें कि व्यूवर्स टाइम से हमें फॉलो कर रहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ईद से पहले की, ये उनके लिए वीडियो अब बन रही है। माजर चाहूँगा इंशाल्लाह आगे आप अपने इस साइज़ के ऊपर वीडियो बना सकेंगे। उन्होंने मुझे बॉडी का साइज़ दिया था, उन्होंने चेस्ट शेयर की थी, हम बना रहे हैं 40, यानी कि राउंड में 40 आएगी। 37 उन्होंने शेयर किए, 3 इंच की लूजिंग मार्जिन है। 33 उन्होंने वेस्ट का साइज़ हमारे साथ शेयर किया, उनमें 3 इंच हम लूजिंग डाल के 36 रेडी करेंगे। और हमारे पास 42 उन्होंने जो हिप का साइज़ नोट किया, हम बना रहे हैं उसका यानी कि 42 शेयर किया, 3 इंच का लूजिंग। अब उसी के हिसाब से हमने इसका बॉडी फार्मूला सारा इंशाल्लाह बना के आपके साथ शेयर करना है। अगर आपके पास बॉडी मेजरमेंट हो, बॉडी मेजरमेंट का मैंने पीछे आपकी बातें सुन के भी काफ़ी व्यूवर्स को दिलाजारी करके मैंने वीडियो बनाई थी एक साइज़ लेने की, फिर उसके बाद भी मैंने वीडियो के साइज़ से साइज़ बनाने का तरीका बनाया था। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि बॉडी मेजरमेंट लेनी किस तरह से है, ये देखें। अगर तो आपने ये गौर करें, ये आपकी बॉडी मेजरमेंट है, सिर्फ ये इतना टाइट होना चाहिए कि ये आपकी एक फिंगर या एक थम इसके अंदर आना चाहिए। ये देखें 37 इस तरह आ रही है। इस तरह बॉडी मेजरमेंट जो ली जाती है, हम उसी हिसाब से अपने लूजिंग डालते हैं। अब आपने पता नहीं कैसे लूजिंग साइज ली है, फिर उसी हिसाब से लूजिंग डाली जाएगी। जो बेसिक तरीका वो मैंने शेयर कर दिया। ये तो हो गया, हमने बॉडी मेजरमेंट बता दी। इसका जो तीरा बनाएंगे हम 14 इंच बनाएंगे, बाजू 22 8 इंच बाजू फिटिंग वाला टिच बटन के साथ वो बनाना है। आर्म होल इनके हेल्थ के हिसाब से 8 इंच हम बाजू का रख रहे हैं और 9 इंच रखेंगे यानी कि शर्ट का, ठीक है। ये चीज़ होगी। बॉडी की लेंथ जो हमने वेस्ट लेंथ वो रखेंगे 14.5 पे। ये आपके साथ साइज डिस्कस हो गया, जल्दी से इसकी कटिंग। और चैनल पर न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। सबसे पहले हमने लेंथ ये निशान लगा लेना है लेंथ का इसका, यानी कि बूटियों का रुख है, आप देख रहे हैं, इसको कटिंग करके आपने पहले सीधा कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लेंथ 41 है, ये 41.5 ऊपर हमने ये निशान लगा देना है 41.5 पे। आर्म होल बाजू का बना रहे हैं 9 इंच, 9 का डबल कितना बनेगा 18 इंच, ठीक है। यहाँ 18 लिख देते हैं, ये 18 सिंगल में 9 आएगा, डबल में 18 आएगा, ठीक है, ये माइंड में रखना है। हमने अब 18 तैयार करना है, सही है, कैसे होगा, 9 को माइंड में रख के चले ज़रा। 8 इंच पे ये निशान लगा दिया, 14.5 वेस्ट लाइन है, 15 पे ये निशान लगा दिया, बैक पे प्लेट्स भी डालेंगे इसके इंशाल्लाह, ये निशान सीधा और ये वाला निशान और ये जो हमारा लेंथ का फाइनल निशान है सीधे हो गया। 14 इंच तीरा ये लग गया, 7 इंच ये लग गया, 7 इंच। भाई अगर हम बात करें जैसे सारा साइज अराउंड हम डबल ले रहे हैं, भाई डबल से मुराद है भाई 40 इंच, यानी कि हमने चेस्ट बॉडी बनानी है 40 इंच को जब हमने ये देखें
ये 40 आ गया इस तरह से। अब इस तरह से जब मेजर किया फ्रंट एंड बैक, 20 इंच बैक आ गई, 20 इंच आ गई हमारी फ्रंट, ठीक है। अब हमने बाजू की शर्ट की डबल तह लगाई होती है, जब डबल तह लगाएंगे तो इस तरह से जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 इंच, ठीक है। इसी फार्मूले से हमारी ये सारी कटिंग हो रही है। तो जब अगर शर्ट की सारी कटिंग इसी फार्मूले से हो रही है तो फिर आर्म होल हम 9 का 18 क्यों नहीं बनाते? जो ये नहीं बना रहे वो गलती कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इसका मैं हल आपको दूंगा इंशाल्लाह। आप आर्म होल आपके कह लें कि बिल्कुल ईजी हो जाएगा, परेशानी नहीं होगी, जिस मर्जी साइज का आर्म होल निकाल लीजिएगा। चेस्ट 10 इंच, 10 का 20, 20 का 40। वेस्ट 18 इंच, 9 इंच, आधा इंच इसको बैक पे प्लेट्स डालने के लिए मार्जिन रख रहे हैं, आधा इंच हम ये निशान लगाएंगे। ये लें जी, ये आ गया 1/4 इंच डाउन किया है, ठीक है। अब इन्होंने अपना भाई साइज दिया है, ठीक है। साइज देने के साथ इन्होंने अपना एक स्क्रीनशॉट खुद भेजा था कि भाई मेरी ये ऐसी बॉडी है तो आप इसके ऊपर देखें, और इसका जो हमारी उन्होंने पहनी हुई थी शर्ट काफ़ी डिस्टर्ब थी तो आप हमें सेटिंग कर दें। अब ये मैंने इंशाल्लाह सेटिंग कर दी है, अगर मज़ीद भी अगर कोई परेशानी हो थोड़ी बहुत मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी दूर करवा दूंगा आपकी। ये लें जी, ये आर्म होल हमने बनाना है, यहाँ से गोल कितना बनाना है 9 इंच, 9 का 18। ये लें, ये 1.25 छोटा है, ये लें जी, ये अब आया है हमारे पास 1.25 इंच। बस एक मिथ मेरे फार्मूले पर, अब जिसकी वीडियो आप देखते हैं आपको मजबूरन उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, हर किसी ने अपने फार्मूले लगाए हुए हैं, ठीक है, काम वही कर रहे हैं। जब आप एडवांस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको अंदाजा होता है कि हाँ ये काम बेसिक वही है लेकिन ये किस रास्ते से किया जा रहा है। अगर आप न्यू या अभी काम की इतनी वो नहीं है तो उस वजह से आपको डिस्टर्बिंग होती है कि भाई ये कौन सा नया फार्मूला है। फार्मूले नया कोई नहीं है, फार्मूले वही हैं कि जो आपको आसान लगे, मेरा, किसी और का, किसी और का, किसी और, काम सेट करना है बस, ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। अब मेरे फार्मूले के मुताबिक अगर हमने 9 इंच आर्म होल बनाना है तो हमने इसको 1/4 इंच, ठीक है, 1/4 इंच कितना है, ये 1/4 इंच, ये वाला, यानी कि ये 2 पॉइंट ये वाले कम, ठीक है, 1 इंच से इतना हमने फ्रंट एक्स्ट्रा रखना है, 9 का 1/4 इंच आना चाहिए, ये देखें, फिर जाके ये 9, 18 इंच ये रेडी होगा, ये देखें, ये देखें 18.5, आधा इंच दबाओगे 18 इंच हमारा पूरा हो गया। बात समझ आ गई है? अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं फिर प्रॉपर वे में आए, फिर इंशाल्लाह आपकी जो भी परेशानी है, ऑनलाइन क्लासेस का भी इंशाल्लाह बकायदा यकम से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर्स तकरीबन 1-2 कम है, बाकी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अगर कोई किसी ने ज्वाइन करना वो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल हासिल कर सकता है। इसके साइड है 14, ये 14.5 पे निशान लगाएंगे। देखें अगर मैं ऐसे भी कर लूँ, ऐसे 14 कर लूँ, क्या फ़र्क पड़ा ये देखें, देखिएगा ज़रा, 2 पॉइंट का फ़र्क पड़ा है। ये लेडीज़ काम पॉइंट पॉइंट नोट करना पड़ता है, पॉइंट पॉइंट का ख्याल करना पड़ता है, फिर आपकी हर चीज़ इंशाल्लाह एग्जैक्ट बनेगी। 1.25 हिप का साइज़, दामन 12.5, ये लें जी, ठीक है, कंप्लीट हो गया साइड का निशान हाथ की मदद से, ये लें, और ये देखें। अब माशाल्लाह मेरे आप रेगुलर व्यूवर्स हैं, मैं 12-14 छुट्टियां करने के बाद ये पहला सूट कटिंग करके, पहला चले मैं कटिंग कर, दूसरा सूट कटिंग करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपने इस चीज़ में एक चीज़ नोटिस करनी है, क्या मेरे हाथ में बदलाव आया छुट्टियां करने का या काम ना करने का कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, क्योंकि हमारे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो चुके हैं। इसी तरह आपके भी होने हैं, आपके इंशाल्लाह करवा के दम लेना है आपके भाई ने कि आप काम करें या ना करें, लेकिन जब भी करें आपका हाथ प्रोफेशनल ऐसा चले कि देखने वाला बोलने पर मजबूर हो जाए कि नहीं वाकई भाई आप काम करना जानते हैं, ठीक है। कटिंग देख लें, फिर बाजू की कटिंग, ये लें जी, ये हो गई, ये लें जी, ये निशान हमने पकड़ा, ये हो गई, ठीक हो गया जी।
आगे बैक का ज्यादा नहीं बढ़ाना, सिर्फ ये वाला, ठीक है जी। चलें जी, इतना सा दबाव छोड़कर हमने ये कटिंग कमीज की कंप्लीट कर दी। यहां पर एक साइड का टुका लगा लें, नीचे लेंथ का लगा लें, ठीक है। कंप्लीट हो गई ये वाली। अब हमने इसका जो प्लीट्स डालने हैं कैसे, ये देखें, मैंने बेशुमार वीडियो में बताया हुआ ये। यहाँ से सीधा निशान, चेस्ट को मद्देनजर रखें कहाँ पर होगी, यहाँ पर अंदाजे से। फिर हिप की, जहाँ से हिप स्टार्ट हो रही है उसको मद्देनजर रखें, ये देखें आपकी बगैर मेजरमेंट किए, ये देखें 9 इंच, पूरी 9 इंच आई है, ठीक है जी। इसका गैप रख रहे हैं हम 4.25, ये और 4.25, ये लें जी, ये हमारी प्लेट्स का निशान कंप्लीट हुआ। ये हमारी शर्ट की कंप्लीट हो गई, समझ आ गई। कोई भी पॉइंट आप मेरे काम के रिलेटेड, मेरे बताए हुए फार्मूले में आपको लगता है नहीं समझ आ रही, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसका प्रॉपर वे में उसका हल भी बताया जाएगा और आपको आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, अगर आप हमारी इस काम के रिलेटेड कोई सलाह कर सकते हैं वो भी लाजमी कीजिएगा, हम उसके भी मुंतजिर रहते हैं, क्योंकि हम खुद अब तक इस काम के तालबिल में खुद सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको मजीद बेहतर कर सकें, ठीक है जी। ये हमारा हो गया बाजू की लेंथ, हमारे पास 22, ये लें जी, ये हमारा बाजू का। यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेते हैं, फिर इंची टेप हमने इसी जगह पर रखना है, 4 इंच डाउन कर रहे हैं और 22.5, ये बाजू, ये 4 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच किसी हिसाब से डाउन होता है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा, नहीं तो इंशाल्लाह उसका मैं कोशिश करता हूँ, लिंक आपको दे देता हूँ, नहीं तो आने वाले टाइम में मज़ीद जो नए साथ हमारे साथ सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, कोशिश है कि इंशाल्लाह हम उनके लिए भी वीडियो जो चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह हम बना के दें। ये 8 इंच हमने पूरा रख दिया, 8 इंच से एक पॉइंट ज़्यादा, बिल्कुल पूरा पूरा नहीं, जहाँ पर देख लें जहाँ पर सिलाई ने टर्न होना है उसमें आप अपने माइंड में रखें कि हाँ यहाँ पर सिलाई टर्न होगी, तो उसको एक पॉइंट ज़्यादा रखा करें ताकि जब रेडी होके आए बिल्कुल आपके साइज़ के मुताबिक आए। ये लें बाजू मोरी 8 इंच बटन के साथ, ये 4 आ गया, 8 का सिंगल 4, ये देखें 3.25 पे रख रहे हैं हम ये इसको, ठीक है। यहाँ पर निशान बराबर और ये वाला, इसका मैंने इस्तेमाल प्रॉपर बताया हुआ है, जो क्लासेस का सिलसिला है उसमें देख लीजिएगा आप। कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ मैं अपने ऑडियंस के रिक्वायर्ड पूरी कर सकूँ, लेकिन फिर भी अगर ना हो सके तो मैं माजर चाहूँगा, जाहिर सी बात है मैं सिंगल हैंड कोशिश कर रहा हूँ और जल्द अज जल्द चीज़ों को पूरा करने की। ये लेंगे ये लगे, ठीक है जी। ये इसकी ये कटिंग, बस इसके ऊपर आपने हाथ बिठाना है, जैसे ही आपका हाथ बैठेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, मैं इस चीज की प्रॉपर आपको जो कटिंग या इसका कोई फार्मूला कटिंग बनाने का मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा, उसके बाद इसको बना के ज्वाइंट कैसे करना है, मशीन से सिलाई कैसे करना है ताकि ये सेट आए, इंशाल्लाह चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर कोशिश अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी परेशानी है इस काम के रिलेटेड, कोई मसला है, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। दे इजाज़त, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।